Hello traders, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। ट्रेड ऑलवेज फॉर विन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ वापस अपना संडे का जो मेरा लर्निंग जो एपिसोड होता है उसके बारे में बताने के लिए। और आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो सबसे बुलिश पैटर्न जो होती है कैंडल स्टिक, उसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। मैं एवरी संडे आप लोग को बताता हूँ कि मैं एक लर्निंग एपिसोड लंच का सीरीज जो है वो लंच किया हूँ, जो सीरीज चल रहा है। मैं बुलिश पैटर्न के बारे में भी बात कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने 3 एपिसोड्स जो बनाए हैं दोस्तों वो बुलिश पैटर्न के बारे में बनाया है। मैं टोटल 5 एपिसोड्स बात करूँगा बुलिश पैटर्न जो बनता है कैंडल स्टिक्स का उसके बारे में। तो आज उसका चौथा एपिसोड मैं आज लॉन्च करने वाला हूं, और उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि ये कितनी सुपर हिट स्ट्रेटजी है जो आपको मालामाल करके रख देगी। इसका एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, इसका स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ होगा, आप इसके बारे में पूरा थॉरली जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगता हो वीडियो का, तो आपसे निवेदन है दोस्तों, जो मेरे छोटे भाई जो ट्रेडर्स हैं, जो अभी बिगनर्स हैं, ये प्लीज़ मेरे चैनल को, और जो बड़े भाई हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी मुझे अपना प्यार दें, और छोटे भाई भी प्यार दें हमें। मेरे मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो में जितना अधिक से अधिक लाइक दें दोस्तों, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरा YouTube का चैनल के नीचे में मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, अगर आप वहाँ ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको मैं अपना लाइव पोजीशन बहुत जल्द उसमें शेयर करने वाला हूँ, आपको उससे ज़रूर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, ये एडुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं अपना लाइव पोजीशन शेयर करूँगा, जिसमें जहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट करता हूँ, आप भी प्रॉफिट करेंगे, मैं लॉस करूँगा तो आप भी लॉस करेंगे। आप अपना एडवाइज़र से बात करके फिर आप मेरा कॉल को फॉलो करें, वो एक एडुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं कॉल दूंगा। बहुत जल्द वो भी सीरीज चालू कर बहुत जल्द वो भी मैं चालू करने वाला हूँ, अपना लाइव पोजीशन शेयर करना, जो कि टेलीग्राम चैनल में वो शेयर होगा। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो मेरे भाई हैं इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में, जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना सीखे बिना पढ़े अगर दोस्तों मार्केट में आएंगे तो आप अपना पैसा गंवाएंगे। इसलिए मैं उन सभी दोस्तों के लिए जो अभी नए हैं, बिगिनर्स हैं, उन सभी के लिए मैं अभी स्ट्रेटजी वाइज तो बताता ही हूँ, मैं जिस ले स्ट्रेटजी को मैं रोज प्रॉफिट करता हूँ, बट एक ना आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे अपने आप में आए, ताकि मैं अपने आप को रेडी कर पाऊँ खुद से ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो तभी है दोस्तों, जब आप स्टडी करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, आप दोस्तों स्टडी करेंगे कि क्या क्या कैंडल होता है, कैसे ये कौन सी कैंडल परफॉर्म करती है, तो आपको उसके बारे में, आप जब तक नहीं जानेंगे कैंडल्स के बारे में दोस्तों, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स होते हैं दोस्तों, सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है दोस्तों, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में जहां तक बात है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर जानकारी लेनी हो दोस्तों, अगर सीखना है वाकई, देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं तब जाकर नौकरी मिलती है, तो पढ़ते हैं तभी ना, आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी सिमिलर वे में दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी डीपली, तभी आप सीखेंगे, तभी आप समझिए कि आप, ये आपके लिए एक बिजनेस हो जाएगा, ये आपके लिए एक नौकरी हो जाएगी, आपको यहाँ से आपको पैसा कमाना है, उसके लिए दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा ना, तो मैं दोस्तों बहुत दिल से ये बनाता हूँ वीडियो आप सभी के लिए। आप प्लीज़ मेरा मेरा जो मेहनत होता है दोस्तों ना, हमको मज़ा आता है आपके साथ शेयर करने में, तो मेरा मेहनत पर आप रंग लाएं दोस्तों, आप प्लीज़ आप जरूर पढ़ें, जरूर स्टडी करें, तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जीवन में कर पाएंगे दोस्तों। आप सपना छोड़ दीजिए ट्रेडिंग से पैसा कमाने का। जो जॉब कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये उतना ही आवश्यक है। जो जॉब कर रहे हैं उनके, उनको टाइम नहीं मिलता, जैसे मैं जॉब करता हूँ दोस्तों, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक शॉर्ट टाइम निकाल कर मैं ट्रेडिंग करके, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं प्रॉफिट कमाता हूँ और आपको शो भी कर देता हूँ। तो जॉब के साथ साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पैसा आप पार्ट टाइम आप कमा सकते हैं। धीरे धीरे पार्ट टाइम के साथ आप फुल टाइम में फुल टाइमर ट्रेडर भी बन सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, बहुत सारा ज्ञान की बात हो गई, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ड्रैगन फ्लाई जो बनता है चार्ट में, जब बनता है दोस्तों ना, आपको वो मालामाल उस दिन करेगा, और आप पैसा जितना कमाएंगे, आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको वो ड्रैगन फ्लाई जो कैंडल पैटर्न बनेगा, कब बनेगा, आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा, और किस तरह का होता है ड्रैगन पैटर्न,
कैंडलस्टिक, वो आपको जानना पड़ेगा, राइट। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, मुझे माफ करें, क्योंकि आपको समझाने के लिए ना मुझे डिटेल्स में जाना पड़ता है। अगर शॉर्टकट आप चाहते हैं कि मैं बना दूं वीडियो, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा दोस्तों, आप सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज अच्छे अच्छे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, एक नहीं 7 एग्जाम्पल बताऊंगा, जब वो स्ट्रेटेजी बनी है तो आपको कितना प्रॉफिट दिया। प्लीज मेरे वीडियो को भागा अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा नहीं कि कहाँ पर एंट्री पॉइंट है और कहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। कैसे आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन यू दोस्तों, राइट। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो है फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी क्या होता है ग्रीन बॉडी, क्या होता है रेड बॉडी, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, आशा करता हूँ। अगर वीडियो मेरा एपिसोड वाइज वीडियो देखते होंगे, हर संडे को जो लॉन्च होता है उसमें इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स बता दिया हूँ कि क्या ओपन क्लोज है बेयरिश का और क्या बुलिश का ओपनिंग क्लोज है, राइट। तो इसके बारे में टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जिसके बारे में बात करना है आज हमको, वो कैंडल स्टिक का नाम है ड्रैगन फ्लाई। देखिए दोस्तों, मैं आज कैंडल नंबर 4 जो कि बुलिश पैटर्न है, इसके बारे में 5 कैंडल्स के बारे में बताऊंगा जो सबसे बुलिश होती है। अगर एक बार आप पहचानना चालू कर दिए दोस्तों ना ये कैंडल्स को जब बनती के चार्ट में, तो आप ना माला माल होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है, राइट। तो आपको पहचानना भी उतना ही जरूरी है कौन से कैंडल को क्या कहते हैं और कब बनेगी, ये भी आपको जानना जरूरी है। कहीं भी आपको चार्ट में बन जाएगा दोस्तों, इस तरह के पैटर्न बन जाएगा तो आप ढूंढ जाएंगे, एंट्री कर लेंगे मार्केट में, तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो आपको एंट्री पॉइंट भी जानना पड़ेगा, कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी और कहाँ ये कैंडल बनेगा तो एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो बात करते हैं 4th नंबर कैंडल, जो एपिसोड वाइज है मेरा एपिसोड 4th नंबर आज मेरा लॉन्च होगा संडे के दिन। दोस्तों देखिए, ये जो कैंडल होती है ना, ये मैं बताऊं आपको कि ये कैंडल का कोई कलर मायने नहीं रखता है, ये कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है। ये रेड भी बन सकती है, ये रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है, राइट। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा कि ये इसको ग्रीन ही बनना है। पहला कंडीशन इस कैंडल का ये है कि आप रेड और ग्रीन दोनों कंडीशन में आप घबराए नहीं, ये रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है, पहला। दूसरा चीज है कि ये जो बॉडी का जो लेग है ना, ये बहुत बड़ा होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये जो छोटी सी जो बॉडी होगी दोस्तों, ये बहुत छोटी होगी। ये आपको हमेशा पहचानने का नियम इसका ड्रैगन फ्लाई जो डोजी है इसका यही है, बड़ी बॉडी बने, बड़ी इसका लॉन्ग वीक बनेगा ये, राइट। और ये जो होता है दोस्तों, जो बॉडी बनेगी बहुत छोटी बनेगी, जैसे आपका बटरफ्लाई का होता है ना स्ट्रक्चर, वैसे ये देखिए बटरफ्लाई टाइप लग रही होगी आपको, छोटी सी एकदम आपका ये बनेगा, ये जो बॉडी है ये छोटी सी बॉडी है, ओपन क्लोज सेम होगा इसका, और ये जो लॉन्ग वीक है ना, लॉन्ग वीक होगा इसमें, राइट। तो ये इसका पहचानने का नियम है कि इस तरह के जो अगर कैंडल में चार्ट में अगर इस तरह का कैंडल बनता है, कहाँ बनता है दोस्तों, ये ऑलवेज बनेगा डाउन ट्रेंड में। ये हमेशा आप याद रखें कि ये बनेगा ऑलवेज डाउन ट्रेंड में, कहीं भी बनेगा दोस्तों, आप एंट्री करेंगे यू विल लूज योर मनी, तो आपको जानना पड़ेगा। तो मैं ये बार बार चिक चिक कर रहा हूँ कि ये कहाँ बनेगी, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगी। जब भी 100-150 पॉइंट अगर मार्केट डाउनफॉल करता है, अगर इस तरह का कैंडल बनता है दोस्तों, तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि ये मेरे लिए एक अलर्ट कैंडल बन गई, अब मुझे एंट्री करना है इस कैंडल के ऊपर। कहाँ एंट्री करना होगा दोस्तों, वो मैं बताता हूँ आपको अब, राइट। आप आशा करता हूँ आप पहचान गए होंगे कि इस तरह के कैंडल का बॉडी बहुत छोटा होगा, वीक बहुत लंबा होगा ये वाला, ये रेड और ग्रीन दोनों में बनेगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये बनेगी तो ऑलवेज डाउन ट्रेंड में बनेगी, ऑलवेज डाउन ट्रेंड, इसको आप याद रखें, ऑलवेज डाउन ट्रेंड में बनेगी, राइट, अप ट्रेंड में नहीं बनेगी। ये क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं इसका एंट्री पॉइंट, एंट्री आप कहां करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये कैंडल बनेगी आपका, राइट। अच्छा, एक चीज और जानना जरूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको उतना ही जानना जरूरी है जितना कि आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लीज उसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों ये सपोर्ट बननी चाहिए, सपोर्ट पर जब बनेगी दोस्तों, तो ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगी, जबरदस्त उस दिन। अब देखिए एंट्री पॉइंट क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कैंडल यहाँ पर बन गया, राइट, इस तरह की कैंडल बन गई, अब सेकंड कैंडल जो बनेगी दोस्तों, सेकंड कैंडल मान लीजिए आपका यहाँ बन रहा है, राइट, या थर्ड कैंडल कोई बन गया, आप मान लीजिए ऐसा एक कैंडल बन गई, सेकंड कैंडल ये यहाँ भी बन सकती है, या आप यहाँ यहाँ भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। तो आपका क्या कंडीशन है एंट्री का, जैसे ही इस टॉप का इसके ऊपर में कैंडल क्या करेगी, ये सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल, ज्यादा से ज्यादा थर्ड कैंडल, राइट, थर्ड कैंडल अगर या सेकंड कैंडल कोई भी दोस्तों अगर इसके टॉप को ब्रेकआउट करती है,
ब्रेकआउट मतलब इसका टॉप के ऊपर में जाकर के जैसे ही चली जाती है आपको, यू डोंट हैव टू वेट फॉर रीटेस्ट। आपको यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल इसको ब्रेकआउट की, यहाँ पर इसके टॉप को, इस ड्रैगन कैंडल ड्रैगन फ्लाई कैंडल को आपको यहीं पर एंट्री करना है। आंख बंद करके आप एंट्री कर लेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे चुपचाप? क्योंकि नीचे इसका जो ये जो वीक पॉइंट होगा सबसे लास्ट, ये आपका इसका स्टॉपलेस पॉइंट होगा। मैं आपको बता दिया कि कहाँ पर स्टॉपलेस होगा और कहाँ पर एंट्री होगा। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, राइट। जैसे ही इसका टॉप को मार्केट ब्रेकआउट करेगा आप यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे। इसके टॉप के ऊपर में जैसे ही मार्केट गया आप एंट्री कर जाएंगे 100% आंख बंद करके। ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग किया है, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको चिक चिक के बोलता हूँ, राइट। आप कहीं भी यूट्यूब में सर्च करिएगा, आपको ऐसा ज्ञान आपको दिल खोल के देने वाला नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर, राइट। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ही इसका टॉप को ब्रेकआउट करेगा आप एंट्री करेंगे, और ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो बॉटम होगा वो आपका स्टॉपलॉस पॉइंट होगा। स्टॉपलॉस पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बारे में बताऊंगा, कि ये मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, उसके इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। स्टॉपलॉस पॉइंट वो होता है कि आप मार्केट को आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा लॉस इतने रुपया का होने वाला है। आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट आप डिसाइड नहीं करेगा कि हम आपके इतना पैसा लॉस होगा तो इतना पैसा लेंगे हम आपसे। आपको डिसाइड करना है कि भाई मार्केट तुम जितना आगे पीछे करो हम तुमको इस इतने रुपया से नीचे आपको नहीं जाने देंगे, हम इतना का ही आपको पैसा देंगे जो लॉस होगा। तो 1000 रुपया का लॉस देंगे, 2000 का देंगे, यू हैव टू प्रीफिक्स दैट अमाउंट टू मार्केट। आपको ही करना है प्रीफिक्स पहले, मार्केट नहीं करेगा, राइट। सो स्टॉपलॉस हो गया आपका और एंट्री हो गया। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको एक नहीं, मैं 7 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, 7 एग्जाम्पल। 7 में क्या होगा दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अपने आप कि हाँ ये मिश्रा जो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, राइट। सो दोस्तों आशा करता हूं आपको इतना चीज क्लियर होगा, पहचानेंगे कैसे ड्रैगन फ्लाई है, कब ये बनेगा तो वापस मैं बताता हूं। ये ग्रीन बॉडी बने या रेड बॉडी बने इससे कोई मतलब नहीं है, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, सपोर्ट बनता है दोस्तों तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगा, राइट। और ये मिनिमम आप अगर ये 5 मिनट्स का कैंडल में मैं आपको दिखाऊंगा टाइम फ्रेम, 5 मिनट कैंडल में बनेगा आपको, आप मिनिमम 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड करें अभी इनिशियली, आप उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाएं जहां आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये मैं 5 मिनट कैंडल्स का मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स, राइट। और ये कैसे आपको प्रॉफिट दे रही है ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखें, आपको आप खुद देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये गलत नहीं बोल रहा है सही बोल रहा है, राइट। अब देखिए दोस्तों फ्रेंड्स आते हैं एग्जाम्पल 1 बाय 1। मैं आपको पहचानने का नियम बता दिया, एंट्री और स्टॉपलॉस बता दिया कैसे करना है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 1 में बात करूंगा। देखिए मैं कब का बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये है टाइम फ्रेम 5 मिनट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये टाइम फ्रेम 5 मिनट। ये बना है कैंडल कब, डेट 31 मई 2023। ये पैटर्न बने हुए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के दिखा रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है दोस्तों। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में तो आपको ये मिलेगा ये पैटर्न, ये बैंक निफ्टी का है। देखिए ये यहाँ पर ये कैंडलस्टिक बना है, राइट। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये छोटा वाला दोस्तों, ये देखिए मैं आपको आपको इसको सर्कल कर देता हूँ, ये कैंडलस्टिक बना हुआ है, थोड़ा सा वीक पड़ा, थोड़ा सा वीक निकला हुआ दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको थोड़ा सा वीक निकला होना चाहिए, तो कोई निकल जाए तो भी कोई सुनिए। इसका जो ये जो नीचे का जो इसका लेग है, लेग बहुत बड़ा होना चाहिए दोस्तों, राइट। मैं एंट्री क्या दिखाया हूँ, देखिए ये इसका स्टॉपलॉस पॉइंट है, यह मैं ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए ये वाला एरिया दोस्तों, ये वाला ये मैं दिखा रहा हूँ कितना का है, मात्र 31 पॉइंट का है। देखिए यहाँ पर ये 31 लिखा हुआ ना, यहाँ पर ये 31। उसका मैं एंट्री कहाँ पर करूंगा, मैं आपको जो लॉजिक के हिसाब से बताया कि जैसे इसका टॉप को ब्रेकआउट करेगा कैंडल, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल में ब्रेकआउट करके मेरी एंट्री यहीं पर हो जाएगी। मैं यहां से प्रॉफिट कितना लूंगा दोस्तों, 366 पॉइंट। आप स्टॉपलॉस कितना का दिए हैं, 31 पॉइंट का, आपको प्रॉफिट कितने का दे रहा है, 336 पॉइंट। मगर आप दोस्तों इसको पहचानेंगे तभी आपको ये प्रॉफिट देने वाली है। ये मैं आपको बताया हूं कि ये डाउन ट्रेंड में बनेगी, देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट डाउन कर रहा है, राइट। मिनिमम इसको डाउन होने के लिए 150 पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए 150 पॉइंट से ज्यादा मार्केट फॉल हुआ है, राइट। और ये सपोर्ट पे बना हुआ है दोस्तों, तो आपको देखिए ह्यूज प्रॉफिट दिया 366 पॉइंट्स।
एक लॉट में अगर प्रॉफिट करें दोस्तों, मिनिमम आपका 6 से 7 हजार का प्रॉफिट आपको बनेगा, 6 से 7 हजार एक लॉट, 25 का होता है बैंक लेट का एक लॉट, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर वन में आपको दिखाया कि किस तरह से आपको जबरदस्त स्ट्रेटेजी प्रॉफिट, ये कैंडल स्टिक जो है आपको प्रॉफिट दे रहा है, राइट। सेकेंड बात करता हूँ दोस्त, ये देखिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, इसको मैं डिलीट कर दूं, वापस देखें, ये देखिए कैंडल स्टिक बना, रेड बना। आप घबराए नहीं कि ये रेड बनेगा तो बॉडी ये रेड ये तो डाउन ट्रेंड है, नहीं, ये आपको ग्रीन बने या रेड बने मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। डाउन ट्रेंड में देखिए, डाउन ट्रेंड में बना है, आप देखिए डाउन ट्रेंड में बना है। टाइम फ्रेम कितना का है, 5 मिनट का है। डेट का बना है, 19 अप्रैल को बना है। आप यहाँ पर 29 पॉइंट्स का ओनली स्टॉप लॉस, आप प्रॉफिट कितना ले गए हैं, 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले गए हैं, राइट। सो देखिए आपको कितनी जबरदस्त प्रॉफिट दे रही है स्ट्रेटजी, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों। और मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट है बैंक निफ्टी को, मैं बार बार चिक चिक के बोल रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप बैंक निफ्टी में खुद सेल्फ स्टडी करेंगे दोस्तों ना, तो आपको जरूर मिलेगा ये सब चीज स्ट्रेटजी में, ये कैंडल स्टिक आपको वहां पर जरूर मिलेगा, राइट। अब मैं दिखाता हूँ थर्ड नंबर आपको जो एग्जाम्पल है, आप थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए, ये दो नंबर दिखा दिया आपको, सेकंड हो गया, अब थर्ड में देखिए कैसे ये प्रॉफिट दे रहा आपको। फ्रेंड्स देखिए अगेन आपको ये बना है कि हाँ कहाँ पर डाउन ट्रेंड में बना है, ये छोटा सा दिखाने में अगर चार्ट में लग रहा है, लेकिन ये आपको 146-150 पॉइंट का अप्रॉक्स आपका ये डाउनफॉल हुआ। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन बॉडी बना, यहाँ पर मात्र 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, राइट। एंट्री हम यहाँ पर कर जाएंगे, जो मैं बता दूँ आपको, जैसे टॉप को ब्रेकआउट करेगा मैं एंट्री यहीं पर कर लूंगा, या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। देखिए आपको प्रॉफिट कितना मिला, 191 पॉइंट का प्रॉफिट, अप्रॉक्स 200 का प्रॉफिट मिला। आप कितना का दिए, आप 40 का आप मात्र यहाँ पर दिए स्टॉप लॉस, मतलब 5 टाइम्स आपको प्रॉफिट यहाँ ज्यादा मिल रहा है। ये कब हुआ दोस्तों, 5 मिनट का देखिए टाइम फ्रेम यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया हूँ आपको, आप देखें 5 मिनट का टाइम फ्रेम, डेट है कब है, 17 अप्रैल। तो ये दोस्तों आपको फाइंडिंग करना पड़ेगा चार्ट में, आपको चार्ट में बहुत घूम घूम के देखना पड़ेगा, घुमा घुमा कर पीछे बैक टेस्ट करिए कहाँ पर ऐसी तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है डाउन ट्रेंड में। आप जितना चार्ट को देखेंगे दोस्तों, आप एक दिन चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू स्टडी अलॉट, आपको इसके बारे में मास्टरी करनी पड़ेगी, तभी आप सीखेंगे, तभी आप जानेंगे। आपको चार्ट को कम से कम दिन में 2 से 3 घंटा आपको पूरा देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट का बिहेवियर क्या है, कौन सा कैंडल कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको खाली उसको अप्लाई करना है दोस्तों उसमें, कि ये बताया जो बंदा है सही बताया या गलत बताया, उसके हिसाब से अपने आप आपको कॉन्फिडेंस में आपको ना डबल वो डबल ट्रिपल हो जाएगा आपको कॉन्फिडेंस, जब मेरा बनाया बताया वह चीज़ आप जब चार्ट में देखेंगे, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों अपना फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, राइट। कितना प्रॉफिट दे रहा है दोस्तों, आप देखिए, आप तो खुद विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों कि ये, हाँ आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आप सत्यनारायण भगवान का सुनेंगे कि कहेंगे कि ये कथा सुना रहा है, उसके हिसाब से सुनेंगे तो जीवन में आप नहीं सीखेंगे, कोई कथा ही सुनेंगे फिर पैसा वैसा नहीं मांगा आप बना पाएंगे दोस्तों, राइट। अब देखिए आते हैं, ये देखिए मार्क कर दिया हूँ, ये रेड बॉडी बना है, डाउन ट्रेंड में बना है ऑलरेडी, देखिए डाउन ट्रेंड में बन रहा है ये, राइट, डाउन ट्रेंड में बना है। और जैसे ही इसका टॉप को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, आपका स्टॉप लॉस कितने का है, मात्र 65 पॉइंट का। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपके सामने है, मैं नहीं बनाया हूँ, ये चार्ट बना है खुद और सपोर्ट पे बना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, फिर सेकंड सपोर्ट यहीं पे लिया है, तो मतलब कि आपको मार्केट देखिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। 217 पॉइंट का फर्स्ट आपका टारगेट दिया एक दिन में, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में जब ये ब्रेकआउट किया तो आपका जो ट्रेंड जो अप ट्रेंड बना उसमें 217 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको प्रॉफिट दिया। टाइम क्या है दोस्तों, 5 मिनट्स, डेट है 27 मार्च। अगेन जो दोस्तों को एपेटाइट होगा, भूख होगा कि नहीं हमको पैसा और कमाना है, तो वेट कर सकते थे या अगेन एंट्री यहां पर कर सकते थे, क्योंकि यहां पर देखिए पहले से सपोर्ट है, राइट। तो यहां तो 217 पॉइंट आपको मिल गया, कितना का स्टॉप लॉस का इसके कंपेयर में 65 पॉइंट्स का, राइट। अगेन दोस्तों देखिए इसी पॉइंट से ये जो आपका जो बना हुआ है ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको बोल रहे हैं, अगेन यही सब मार्केट अप गया है, यहां से पॉइंट दिया है 355 पॉइंट का आपको टारगेट दिया है, मतलब 350 पॉइंट यहां पर दिया सेम जगह से सेम पॉइंट से, और फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया 217 पॉइंट। तो आप देखिए कि एक दिन में आप 2 बार कमा रहे हैं, कितना कमाए टोटल मिला ले तो दोस्तों आप करीब मोर देन 550 पॉइंट्स आप कमाए, मोर देन 550 पॉइंट्स अगर एक लॉट में काम करें दोस्तों, तो आपको
कम से कम 10,000 से 11,000 रुपये आपका बनेगा एक दिन में, एक दिन का बात कर रहा हूँ दोस्तों। और कितना स्टॉप लॉस दिया है, मात्र 65 पॉइंट्स का। और क्या चाहिए आपको, मार्केट क्या देगा दोस्तों बताइए आपको। आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों मार्केट में, मार्केट हमेशा पेशेंस का पैसा देता है आपको। जल्दीबाजी करेंगे दोस्तों पैसा आपको जीवन में नहीं मिलेगा, आप कंगाल हो जाएंगे, आप जितना करोड़ों रुपया लेके आए। आपको पेशेंस का पैसा देता है मार्केट, आप इसको एक गांठ बांध लें, पेशेंस नहीं रहेगा, यू विल नॉट अर्न अ सिंगल पेनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इफ यू हैव पेशेंस देन ओनली यू कैन अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ये आप प्रिंसिपल अपना बना लीजिए। आपको एक दरकार हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसके सामने आप एक प्रिंट आउट कर लें कि आपको पेशेंस बहुत जरूरी है मार्केट से पैसा कमाने के लिए, एज वेल एज डिसिप्लिन। जब आपको आपका सेटअप मिले तब आप एंट्री करें, तभी आपको पैसा बनेगा, नहीं तो कहीं भी आप एंट्री करेंगे दोस्तों कि हमको आज ही करोड़पति बन जाना है, तो वो आप सपना है, आप भूल जाए। रात में सपना देखें करोड़पति बनने का, हम भी देखते थे दोस्तों पहले, राइट, बट वो मैं भूल गया, वो तो सपना था। लेकिन अब तो बनना पड़ेगा ना, अब तो सब कुछ जब सीखे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी सेम रूल फॉलो करें और आप भी करोड़पति बने, राइट। ये फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल में दिखाया दोस्त। अब आइए सिक्स्थ नंबर एग्जाम्पल। सिक्स्थ नंबर एग्जाम्पल में आप तो देखिए माला माल क्या आपका ट्रिपल डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिया। कैसे दिया आप देखिए, सिक्स नंबर एग्जाम्पल क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में है। एवरी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ सर, सेम पैटर्न में बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप तो गलत गलत पैटर्न बता रहे। देखिए डाउन ट्रेंड में बना है आपका बॉडी, क्या बनी है एकदम, देखिए नीचे लॉन्ग वीक जो बना है, लॉन्ग वीक बना है, ऊपर में बॉडी बहुत ही स्मॉल बना है, छोटा सा वीक टॉप में दिख रहा है दोस्तों। मेरी एंट्री कहाँ होगी, जब इस टॉप के ऊपर में जैसे ही मेरा सेकंड कैंडल टॉप ब्रेकआउट करेगा, मेरी एंट्री इसी पर हो जाएगी। मेरा स्टॉप लॉस देखिए कितने का है, मात्र 48 पॉइंट्स, मात्र ओनली 48 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस है दोस्त। इसका नीचे देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, शुरू में बता दिया हूँ, आप वापस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बताया गया है एंट्री कहाँ पर होगी, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगी, राइट। देखिए मात्र इसका ये जो डोजी का जो वीक है, लोअर जो वीक है, यही आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है, मात्र 48 पॉइंट। आपको प्रॉफिट कितना मिला है, 570 पॉइंट मात्र दोस्तों। देखिए आप, ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, आप देखिए 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपको अप्रोक्स 10 टाइम्स प्रॉफिट दोस्तों। अगर आप एक लॉट में प्रॉफिट करें, एक लॉट में ट्रेड करें, तो आपका 10-11 हज़ार रुपया प्रॉफिट एक लॉट का, मैं बात कर रहा हूँ आपको। मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों ये आप लोगों को काम में आ जाए। ये सब चीज़ दोस्तों मैं बहुत दिल से बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को सीखें, नहीं सीखेंगे तो आपको कोई नहीं मार्केट में ऐसा लाल पैदा हुआ है जो आपको सिखा देगा कि आप आज एंट्री करो, आज पैसा कमाओ, आज ही पैसा लेकर आओ करोड़ रुपया, आज ही मार्केट आपको करोड़ रुपया देना चालू स्टार्ट कर देगा, चालू कर देगा या स्टार्ट कर देगा, जो भी आप समझें दोस्तों, राइट। तो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, कैंडल स्टिक्स को पहचानना पड़ेगा। इसलिए मैं एपिसोड वाइज अभी बुलिश पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका एपिसोड नंबर 4 आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ और इसको पब्लिश करूंगा। तो आप इस चीज को सीखें, पहचानें, देखें चार्ट को, एक दिन में कम से कम 2-3 घंटा देखें, तभी आप सीखेंगे कि चार्ट कैसे बन रहा है। हर चार्ट का, हर स्टॉक्स का एक बिहेवियर होता है बनने का मार्केट में, राइट। आप उसको सीखें, मैं बार बार इसी पर जोर दूंगा कि आप सीखें, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको 570 पॉइंट मार्केट दिया, राइट। आप क्या करेंगे, पैसा कितना करेंगे, कितना कमाएंगे बताइए एक दिन का दोस्तों। कौन सी ऐसा जॉब है, कौन ऐसा जॉब है जो आपको एक दिन में 10,000 रुपया दे रहा है, हमको बताइए, है नहीं है एक दिन का 10,000 रुपया, राइट। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये देखिए टाइम फ्रेम कितना का है, 5 मिनट का है, राइट। और डेट कितना, डेट कौन सा बना है डेट में, ये 16 मार्च का बना है, आप देख लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एक ही लॉजिक में बता रहा हूँ, डेट भी आपको दे दिया हूँ 16 मार्च। आते हैं दोस्तों लास्ट जो मेरी जो एग्जाम्पल है, राइट, वो 7th नंबर है। ऐसे बहुत सारे हम बैक टेस्ट आप करके देखेंगे दोस्तों, आपको खुद समझ में आएगा। मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों कि ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू अगर आप नहीं जानते हैं तो ट्रेडिंग व्यू आप जस्ट आप गूगल में टाइप करें, वहां से अपने जीमेल से लॉग इन आई डी से आप उसमें लॉग इन करें, आपको वहां पर
लॉगिन करने के बाद आप सेल्फ देखें, वहां पर पूरा चार्ट आपको एवरीथिंग वहां पर हर स्टॉक्स का, आपको इंडेक्स का, आप वहां पर एंट्री करेंगे तो आपको हर चीज का चार्ट अपने आप मिलने लगेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो ये चार्ट कहाँ से बन रहा है। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है ये, अवेलेबल है फॉर एवरीवन। आप अपने जीमेल आईडी पासवर्ड लॉग इन करेंगे, आपको चार्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल दोस्तों, आप देखें, मैं आपको दिखा दिया हूं, देखिए छोटा सा आपका एकदम बॉडी बना है, लॉन्ग इसका वीक बना हुआ है। एंट्री पॉइंट मेरा कहाँ पर होगा दोस्तों, इसका जैसे टॉप को ब्रेकआउट करेगा मार्केट, मेरा एंट्री यहीं पर हो जाएगा। स्टॉप लॉस कितना है का, 113 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, राइट। अगर जिस दोस्तों को स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है दोस्तों, इसको प्लीज आप हाफ कर लें इसका। आप हाफ करके आप अपने स्टॉप लॉस सेट करना, देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, राइट, मार्केट नीचे ही नहीं आया। तो आप स्टॉप लॉस अपना, मैं आप बार बार पहले ही बताते हूँ कि आप मार्केट को कितना पैसा देने वाले हैं लॉस के हिसाब से, वो आप खुद फिक्स कर सकते हैं, मार्केट वो फिक्स नहीं करने वाला, ये आपके हाथ में है। प्रॉफिट जो है वो मार्केट ऊपर में छोड़ दीजिए, वो आप भी नहीं जानते हैं कि प्रॉफिट कितना देगा। आप आपका भूख कितना है प्रॉफिट लेने का, आप उसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। अभी 113 है तो आप यहाँ पर फिर जब ऊपर मार्केट जाएगा तो आप इसको 110 कर सकते हैं, 105 कर सकते हैं। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में अलग से डिटेल से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, राइट। देखिए इसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट कितना मिला है, 436 पॉइंट्स, जबरदस्त प्रॉफिट देता है दोस्तों। अगर जब ये कैंडल बनता है आपको ना खुद पहले पहचानना पड़ेगा, देखिए डाउन ट्रेंड में बना है। मैं आप अपने पॉइंट्स में डिबेट नहीं हो रहा हूँ कि ये एंट्री का क्या इसका सिनारियो है, क्या कंडीशंस है। देखिए मैं एवरीथिंग बता रहा हूँ राइट फ्रॉम बिगनिंग कि इसका एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, कब ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, इसका नाम क्या है, इसका पहचानने का नियम क्या है, आप इसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, क्या टारगेट ले सकते हैं। टारगेट मार्केट ऊपर में छोड़ दीजिए, टारगेट आप भी नहीं जान सकते हैं, मैं भी नहीं जान सकता हूँ, बट स्टॉप लॉस तो आप अपना फिक्स कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर में है। देखिए इसका अगेंस्ट में अगर आप वेट करेंगे दोस्तों, आपके पास अगर पेशेंस है दोस्तों, तो देखिए ये जो टॉप हाई है, जो प्रीवियस जो टॉप हाई बनाया है, इसका आसपास में मार्केट गया है। अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ तक हो सकता है, जब ये इसका इस हिसाब से कोई सिनेरियो अगर बनता है आप मार्केट में एंट्री करते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, ये धीरे धीरे आएगा दोस्तों, एक दिन में नहीं आने वाला है। मैं भी अपने एक्सपीरियंस हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक दिन का बात नहीं है दोस्तों कि मैं एक दिन सीखा और आपको मैं ज्ञान देने लगा, राइट। देखिए 436 पॉइंट्स का मिला, तो आपको मैं 127 जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जितने एग्जाम्पल्स में दिया दोस्तों, आपको देखिए सेम जो एंट्री का स्ट्रेटजी है मैं उसको बताया। डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड में बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखकर का आपको करना पड़ेगा, इसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, एंट्री कहाँ होगा। ड्रैगन फ्लाई का बॉडी अगर रेड बनता है, ब्लैक ग्रीन बनता है, आप कंफ्यूज्ड ना हो, ये आपका दोनों ही बनता है, दोनों में बनेगा, आप बस आपको एंट्री देखना पड़ेगा। डिसिप्लिन में काम करें दोस्तों और पेशेंस रखें, बस इतना ही करना है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको कोई नहीं हरा सकता है, मार्केट तो आपको, आप मार्केट के पीछे नहीं भागेगा, मार्केट आपके पीछे भागेगा। उसके बाद सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। मैं कैसे सक्सेस हूं, मैं अपने आपको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा सक्सेस हूँ, राइट, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म उस ट्रैक पर मैं चल रहा हूँ कि मुझे सक्सेस एवरी डे मिले, लॉस मिले तो मुझे कम मिले, प्रॉफिट मिले तो हमको मैक्सिमम डेज मिले, बस यही मेरा लॉजिक है। मैं उसी लेवल पर काम करता हूँ, उसी डिसिप्लिन के हिसाब से काम करता हूँ, और क्या कहते हैं दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जो मैं क्या कहते हैं, पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। सो ये आपका एक फॉर्मूला बना लीजिए अपने लिए, एक क्या कहते हैं दोस्तों ना, कि एक पिटारी बना लीजिए कि पिटारी में आपको ये चीज रखना है, 1 2 3 4 5, बस आप उस पिटारी के अलावा एक्स्ट्रा और चीज ना थिंकिंग करें, ना सोचे कुछ भी किसी चीज के बारे में, और ना वह ध्यान लगाए, बस वो चीज रखें अपने पास। वहीं आपका जैसे क्या होता है दोस्तों ना, कि जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको भाड़ा देना होता है, तो कंडक्टर कहीं भी रास्ते में आए, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहीं भी अगर आपसे पैसा मांगे तो आपके पास पैसा रहता है तो आप दे देते हैं, राइट। वैसे ही ये आपका पेशेंस है, डिसिप्लिन है, राइट, आपका कैंडल्स पहचाने का रूल्स है, वो सब एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है, ये सब आपका क्या है ना कि पैसा है। आपको जब मार्केट मांगेगा आप वहां से एक पिटारी उठाकर आप दे देंगे, तो आपके पास वो चीज होना चाहिए तभी आप सक्सेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, राइट। सो यही मेरा रहा दोस्तों आज का, आपको बहुत मैं ज्ञान दे दिया, माफी चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप प्लीज इस चीज को थॉरली देखें तभी आपको ज्ञान में बढ़ेगा दोस्तों आपके, बस आप ही के लिए मैं वीडियो इतना लंबा बना देता हूँ ताकि आप एक एक चीज समझे, देखें, जाने।
राइट। एक बार और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो का कंटेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, राइट। फ्रेंड्स आपका प्यार हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, जय हिंद।